अच्छा आप ये बन गया पोजीशन जो है इनका 16.1 डिग्री नॉर्थ और 90.2 डिग्री ईस्ट। अगर डिस्टेंस और दूरत्व के हिसाब से देखें तो ये पारादीप से अभी 590 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट, बालासोर से 690 किलोमीटर दूरी में है और दीघा से 670 किलोमीटर। ये जो सिस्टम डिप्रेशन अभी है ये मूवमेंट कैसा होगा? मूवमेंट होगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा से ये मूव करेगा। फोरकास्ट दिया गया 24th मॉर्निंग, कल सुबह तक ये इंटेंसिफाई करके साइक्लोन बनेगा। साइक्लोन बनने का बाद भी इसका मूवमेंट जो है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्ली रहेगा और साइक्लोन बनने का बाद सब्सिक्वेंट 24 घंटा में ये फर्दर इंटेंसिफाई होकर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का बाद 26 मॉर्निंग में ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्ट के नज़दीक पहुंच जाएगा और 26 इवनिंग ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट क्रॉस करेगा बिटवीन पारादीप एंड सागर आइलैंड एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इस सिस्टम के लिए जो वार्निंग हम लोग इशू किए हैं, पहला जो है वो रेनफॉल, रेनफॉल हम डेट वाइज बता रहे हैं। पहला जो है 25 को 25 मई बंगाल की जो उपकूल क्षेत्रीय जिला है दोनों मिदनापुर 24 परगना और हावड़ा हुगली ये जगह पे सारी जगह पे हल्का से मध्यम वर्गीय बारिश और कुछ जगह पे भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। सिस्टम 26 क्रॉस करेगा इसीलिए बारिश का जो इंटेंसिटी और जो स्प्रेड जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये दोनों ही बढ़ेगा 26 में। इसीलिए 26 में कुछ जिला जैसे झारग्राम, ईस्ट वेस्ट मिदनापुर, नॉर्थ साउथ 24 परगना, हावड़ा हुगली एंड कोलकाता ये जिला के दो एक जगह में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अर्थात अति भारी बारिश की भी संभावना है। भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है 26 में नदिया, बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया एंड बीरभूम और सेफ भारी बृष्टि ये इसका जो संभावना है ये मुर्शिदाबाद, मालदा एंड दक्षिण दिनाजपुर। 27 में कोस्ट में बारिश थोड़ा कम होगा और आगे जो है हमारा उसमें बारिश ज़्यादा होगा। नॉर्थ बंगाल अर्थात साबिमल एंड वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम सभी जगह पे बारिश और दो एक जगह पे भारी बारिश की भी संभावना है। और जो पश्चिमी जिला है बंगाल की जो बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम, बर्धमान एंड मुर्शिदाबाद इस जिला के दो एक जगह में भी भारी बारिश की संभावना है। सेकंड जो है विंड वार्निंग, 24 इवनिंग से विंड शुरू हो जाएगा समुद्र का ऊपर अर्थात नॉर्थ बे ऑफ बंगाल अलोंग एंड ऑफ वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्ट, उसमें 40-50 किलोमीटर गस्टिंग 60 किलोमीटर पर आवर। धीरे धीरे इसका रफ्तार और स्पीड जो है वो बढ़ेगा। 25 इवनिंग में ये रीच कर जाएंगे 50-60 गस्टिंग 70 किलोमीटर। 26 अर्ली मॉर्निंग में ये स्पीड फर्दर इंक्रीज होकर 60-70 गस्टिंग 80 और 26 नून में ये हो जाएगा 90-100 गस्टिंग 110 और 26 इवनिंग में जब अब क्रॉस करेगा तब ये विंड हो जाएगा 155-165 किलोमीटर पर आवर। सी कंडीशन 24 से 26 इस पीरियड में समुद्र जो है वो बहुत उत्तल रहेगा, इसमें काफ़ी लहर और ढेव चलेगा अलोंग एंड ऑफ वेस्ट बंगाल उड़ीसा एंड बांग्लादेश कोस्ट। फिशरमैन को पहले ही बोल गया था जो ये 23 सुबह तक सभी लोग जो बाहर गए थे वो लौट आए और 23 इवनिंग से कोई भी नॉट टू वेंचर इनटू डीप सी समुद्र मांस धरने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, वी विल अपडेट अवर डेली, जो नेक्स्ट बुलेटिन हम देंगे डेली अपडेट देंगे, कल भी देंगे।